विनेश फोगाट को मिली बड़ी जीत, चुनावी डेब्यू में रच दिया इतिहास, बीजेपी के योगेश कुमार को दी करारी मात। कांग्रेस भले ही हरियाणा में चुनाव में पिछड़ रही हो, लेकिन कांग्रेस के द्वारा चला गया एक दांव सफल रहा। दरअसल कांग्रेस के द्वारा विनेश फोगाट को इस बार हरियाणा के चुनावी मैदान में उतारा गया और कांग्रेस का यह एक्सपेरिमेंट सफल रहा। जुलाना विधानसभा सीट से विनेश फोगाट ने बीजेपी के योगेश कुमार समेत सभी कैंडिडेट को करारी मात दी। राजनीति के मैदान में सफलतापूर्वक डेब्यू विनेश फोगाट ने किया और कई हजारों वोटों से योगेश कुमार को हरा दिया। आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कि किस तरीके से विनेश फोगाट ने अपने राजनीतिक डेब्यू में जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस के लिए इतिहास बनाया है। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कांग्रेस का एक भी कैंडिडेट जिस सीट पर आज तक नहीं जीत पाया था, उस सीट पर विनेश फोगाट ने सफलतापूर्वक डेब्यू करते हुए कांग्रेस के लिए इतिहास भी रचा है। सबसे पहले आपको बता दें कि आज हरियाणा चुनाव के नतीजों का दिन था और जुलाना विधानसभा सीट पर सभी की निगाहें थी। अब ऐसे में विनेश फोगाट पर सभी की निगाहें थी क्योंकि विनेश फोगाट जिस तरीके से लगातार मुद्दे उन्होंने उठाए थे, चाहे महिला पहलवानों के मुद्दे हों या फिर किसान आंदोलन के मुद्दे हों, तमाम वो मुद्दे थे जो कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में काफ़ी अहम थे। अब ऐसे में विनेश फोगाट का यहाँ पर चुनाव लड़ना भी कई तरीके से अहम था, तो कांग्रेस की तरफ से विनेश फोगाट को यहाँ पर मैदान में उतारा और आज जब नतीजों का दिन आया तो विनेश फोगाट ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए इस चुनाव में अपनी जीत दर्ज की है और विनेश फोगाट ने बुरी तरीके से योगेश कुमार को हरा दिया है। अगर विनेश फोगाट के आंकड़ों की बात की जाए तो 64,491 वोट विनेश फोगाट के पक्ष में गए, वहीं योगेश कुमार के पक्ष में 58,728 वोट गए, यानी लगभग 5763 वोटों से विनेश फोगाट ने योगेश कुमार को हराया है। भारतीय जनता पार्टी के योगेश कुमार भी काफ़ी सफल कैंडिडेट इस सीट के लिए माने जा रहे थे, लेकिन उनको यहां पर हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा तीसरे नंबर पर सुरेंद्र लाठर थे जिनको 10,123 वोट्स मिले। वहीं चौथे नंबर पर अमरजीत ढांडा जननायक जनता पार्टी के, जिन्हें 2486 वोट, और इसके बाद आम आदमी पार्टी और तमाम अन्य दल भी शामिल थे। तो जुलाना विधानसभा सीट ये एक ऐसी सीट थी जहां पर कांग्रेस आज तक एक भी सीट आज तक नहीं जीत पाई थी। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा दिन है जुलाना विधानसभा सीट से, वहीं विनेश फोगाट के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। जो लड़ाई वो लड़ रही थी उस लड़ाई में अब वो सफल हो चुकी हैं। और आपको बता दें कि विनेश फोगाट जो कि ओलंपिक्स में मेडल से चूक गई थी, उसके बाद उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया। जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस के लिए उन्होंने टिकट पाया और वहां पर काफ़ी ताबड़तोड़ प्रचार किया। इसके अलावा जो उनके मुद्दे थे वो ये थे कि महिला पहलवान, महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं से जुड़े हुए कई उनके मुद्दे थे जिसके बल पर उन्होंने चुनावी प्रचार किया और चुनावी रण में अपने डेब्यू में ही काफ़ी कमाल का प्रदर्शन करते हुए विनेश फोगाट ने ये चुनाव अपने नाम किया है। और यहाँ पर बड़ी जीत के साथ ही विनेश फोगाट को लगातार बधाइयाँ दी जा रही हैं। विनेश फोगाट को बजरंग पुनिया, इसके अलावा तमाम उन सभी साथियों से बधाई मिल रही है जिन्होंने विनेश फोगाट का हर दम साथ निभाया। हम आपको हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।